अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि विंडोज 11 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, अरे घबराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि विंडोज तो यहाँ पे कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन हो सकता है कि विंडोज का एक नेक्स्ट इटरेशन आपको देखने को मिले। देखो अक्सर हम बात करते रहते विंडोज 12 के और इसके लीक्स वगैरह के बारे में, डायरेक्टली बोले लेकिन एक कन्फर्म ही हो गया कि विंडोज 12 तो इस साल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो 2024 में विंडोज 11 24H2 नाम से अपना एक बड़ा अपडेट लाने वाली है और ये विंडोज 11 के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट होगा और शायद ही वन ऑफ द फाइनल अपडेट हो OS के टर्म्स में, जिसके अंदर ये लोग OS स्वैप का यूज करेंगे। अब OS स्वैप का मतलब यहाँ पर ये रहता है कि यहाँ पे जो भी OS आप यूज कर रहे हो उसको रिप्लेस करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी जगह ले लेगा, विंडोज 11 का एक नया वर्जन होगा यहाँ पे। ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में जाएगा और इसका जो इनसाइडर प्रीव्यू रहता है वो भी ऑलरेडी यहाँ पर आउट हो चुका है। लेकिन बात करें तो विंडोज के इस वर्जन के अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी, वो होगी AI Copilot का यहाँ पे इंटीग्रेशन होना। अब जैसे कि हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट का Copilot एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है विंडोज के अंदर, जिसके अंदर AI कैपेबिलिटीज को लेकर आया। और माइक्रोसॉफ्ट ने AI एक चीज कहां से लिया, ये सब लिया है इसने OpenAI से। OpenAI के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने करी है, जिस कारण से उसकी टेक्नोलॉजी को ले आया। अब Copilot को वो ये कहता है कि ऐसा नहीं कि इसके अंदर आपको सिर्फ ChatGPT देखने को मिलेगा, इसके अंदर बोला गया कि हमने अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ बनाया है और आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है उससे कनेक्ट करके हम आपको पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहे हैं। लेकिन घुमा फिरा के बात ये कि बैक एंड में जो ChatGPT की GPT-4 टेक्नोलॉजी है उसी को ही ये लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट भले ही इसको यहाँ पे हर अपने प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट कर दे, चाहे ऑफिस के साथ, चाहे विंडोज के साथ, चाहे बिंग के साथ, लेकिन अभी भी ये इंटरनेट के ऊपर चलता है और काफी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी सब उसको रीड कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न हो सकते हैं। इसी शायद चीज को आगे रिजोल्व करने के लिए ये लोग यहाँ पे AI वाले PCs के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अब देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट और बाकी कंपनीज ने भी अनाउंस किया है कि इस टाइप के PCs आपको 2024 में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज होगी, जिसके अंदर हार्डवेयर वाइज सारी की सारी चीजें आपके PC के अंदर ही चलाई जा सके। इसके लिए बेसिकली आपके PC के अंदर एक पावरफुल NPU होना जरूरी है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके कारण ये सारी चीजें यहाँ पे चल जाएगी। अब बिना किसी हार्डवेयर के इस चीज को डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है अचीव कर पाना। लेकिन बात करें तो क्या ये चीजें एग्जैक्टली आपके करंट PCs के अंदर अवेलेबल हो पाएंगी? वेल, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती, क्योंकि नए टाइप के PCs, चिप्स, ये सब आने वाले वो AI के ऊपर काम करेंगे। और जो करंट में बात करें तो ज्यादातर जो PCs है उनके अंदर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उसको कहीं ना कहीं इंटरनेट पर रिलाई करना पड़ेगा। अगली चीज, यहाँ पे NVIDIA ने RTX GPU निकाले थे, तो काफी सारे कंप्यूटर जिनमें RTX का ग्राफिक कार्ड आता है उनके अंदर आपको इस प्रकार की कंपेटिबिलिटी देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर हाल ही में NVIDIA ने अपनी RTX चैट निकाली थी, जिसके अंदर आप अपनी मशीन के अंदर अपना खुद का ही ChatGPT जैसा एक AI चैटबॉट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, उसको ट्रेन कर सकते हो और उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है कि आपके कंप्यूटर में चले, और धीरे धीरे हम इसी चीज के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं। इस चीज की जो पहली झलक है वो हम यहाँ देखेंगे और विंडोज 12 के साथ ये चीज इसको एक लेवल और ऊपर ले जाए। अगली चीज जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अपने के साथ करने वाले वो करने वाला है इकोसिस्टम एंड्रॉइड के साथ बनाना। सबसे पहले तो गैलेक्सी बुक 4 के एक प्रोडक्ट पे से रिवील हुआ था कि यहाँ पे AI का जो Copilot विंडोज 11 में उसके अंदर डीपर इंटीग्रेशन आने वाला है एंड्रॉइड फोन के लिए, यानी कि जो Copilot होगा वो आपके एंड्रॉइड फोन के मैसेजेस वगैरह को रीड कर पाएगा और उनको समराइज करके आपको दिखा पाएगा, यानी कि एक प्रॉपर इकोसिस्टम बन जाएगा एंड्रॉइड सा, वहां पर भी ये लोग AI का यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज करेंगे। अगली चीज होगी कि AI का यूज सिर्फ ऐसी पर्सनैलिटीज के अंदर नहीं किया जाएगा, यहाँ पे जो फोटोज ऐप, एडिटिंग की ऐप होती है उसके अंदर भी AI का यूज करेंगे, जैसे कि अडोबी फोटोशॉप में जनरेटिव फिल आता है ना, वैसे लोग अपनी भी ऐप के अंदर ऐसे जनरेटिव इमेजेस, जनरेटिव फिल को डालेंगे, जहां पे जो OpenAI की डाल ई होती है उसको यूज कर पाए। तो कुल मिला के बात ये कि जो फोटो एडिटिंग होती है, दूसरी एप्स होती है, हर जगह आपको AI कैपेबिलिटीज होती है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये काफी अच्छा लगा कि AI आने वाली है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों जगह आएगी, क्लाउड पर भी चलेगी, आपकी मशीन में भी चलेगी, और देख के अच्छा लगता है कि एंड्रॉइड फोन के साथ भी AI का यूज के लोग बेटर इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करें। लेकिन सब यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट ने रुकने वाला, इसके साथ ही विंडोज 11 के अंदर आपको लिनक्स वाले फीचर्स भी देने का प्लान है। हाल ही में जो विंडोज 11 का जो इनसाइडर प्रीव्यू है उसके अंदर लिनक्स की जो सबसे पॉपुलर कमांड होती है जिसे सुडो कहते हैं, सुपर यूजर डू, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही एक दो अच्छी बातें और हो रही है, वो हो रही है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में जो भर भर के ब्लोटवेयर आते थे वो अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने कम कर दिया, जो प्री इंस्टॉल्ड विंडोज एप्स आती है उनको भी, जैसे कि मूवीज एंड टीवीज की, कैलेंडर की, मैप्स की, पीपल की, मेल, कॉर्टाना,
इन सबको धीरे धीरे करना कम कर दिया। इसके साथ जो अगली चीज आती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, वो अक्सर हम बात करते हैं कि विंडोज के अंदर कब आपको ARM आर्किटेक्चर पर अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हालांकि विंडोज ऑन ARM ऑलरेडी एक चीज है, इस टाइप की चीज पे भी ये लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं क्या, एप्पल की साइड से आपको एप्पल सिलिकॉन मिलती है और इंटेल में आप राइजन 9 ले ले, इंटेल कोर i9 प्रोसेसर ले ले, कोई भी ले ले, यार वो एप्पल सिलिकॉन की वैसे बराबरी नहीं कर पा रहे, और ये एक बहुत बड़ी चीज है। देखो इस चीज में प्रॉब्लम ये कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इस चीज को अकेले नहीं कर सकते, यहाँ पे चिप मेकर्स को भी काम करना पड़ेगा, विंडोज को भी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ काम कर रहा है, सुनने में तो आया था बहुत पहले कि विंडोज 12 के अंदर ARM डिजाइन के ऊपर ये लोग फोकस करेंगे और इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी के समय में बात करें तो विंडोज 12 यहाँ पे सिर्फ सीमित नहीं रहने वाला, यहाँ पे ARM की जो टेक्नोलॉजी रहते हैं क्वालकॉम भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही है। हाल ही में क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन एक्स एलीट निकाला था, लेकिन आपको बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं है और अभी भी इसके प्रोडक्ट ढंग से मार्केट में आए नहीं है और इसके अंदर भी इवोल्यूशन हो रहा है। कुछ बातें बताता हूँ, जैसे कि स्नैपड्रैगन के अगर मोबाइल फोन में बात करें तो 8 Gen 4 भी इसी साल आने वाला और एक्स एलीट का भी एक नया वर्जन यहाँ पर आएगा। तो सारी कंपनीज यहाँ पे लगी हुई है ताकि AI पावर्ड PCs को ये लोग बिल्ड कर सके और उसको मार्केट के अंदर शिप कर सके, ताकि एप्पल सिलिकॉन का जो कॉम्पिटिशन था ना, वहां उनसे कहीं ना कहीं यहाँ पे लड़ सके। तो देखा जाए तो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज होगा जो आने वाले 1-2 सालों के अंदर देखेंगे। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ एक काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे सुनने में मिल रही, वो हो रही है सब्सक्रिप्शन टाइप। अब ये सब्सक्रिप्शन जैसे कि ऑफिस 365 का होता है, वैसे ये लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का भी लिया, यानी कि आप सब्सक्रिप्शन बेसिस में विंडोज को ले। अब इस तरीके की चीजें भी यहाँ पे चल रही है, लेकिन ढंग से इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ कि विंडोज के ऊपर अपनी नजर यहाँ पे बनाए रखिए, क्योंकि आने वाले समय में ना विंडोज के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस एक चीज है, AI इंटीग्रेशन एक चीज है, ARM डिजाइन के अंदर एक चीज है, फोन के साथ बहुत तेजी से जो इंटीग्रेशन होता है वो एक चीज है, लेकिन इसके साथ ही एक जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर। देख रहे की जो AI कैपेबिलिटीज हमारे PCs के अंदर अब आएगी, उसको देखने की चीज किस तरीके से अफेक्ट करती है। तो प्राइवेसी सिक्योरिटी ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, ऑब्वियसली क्लाउड के साथ जो इंटीग्रेशन होता है वो ये भी देखने वाली चीज है वो यहाँ पे कैसे काम करती है। और कुल मिला के बात है, क्या विंडोज का सच में खात्मा हो रहा है? यार मेरी नजर में बात की जाए तो जो ट्रेडिशनल विंडोज देख रहे थे, हाँ वो तो बिल्कुल एंड हो रहा है जो हम इतने सालों से देख रहे थे, लेकिन अब जो एरा शुरू हो रहा है वो हो रहा है रीबर्थ विंडोज का, यानी कि एक नए टाइप का विंडोज जो हम देखेंगे, उसे एंजॉय करेंगे और उसको अपने वर्क फ्लो में यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि आज के समय में देखा है तो सच बता रहा हूँ, किसी भी OS में जो सबसे ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है ना वो विंडोज है, एंड्रॉइड का भी मैं नाम नहीं ले सकता। और विंडोज तो अब इस लेवल पे मूव कर रहा है कि यहाँ पे सिर्फ मैक OS से टक्कर नहीं लेगा, आपके लिनक्स से भी यहाँ पे टक्कर लेगा। तो वो देखने वाली बात है, देखते कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 का जो अभी सबसे बड़ा वर्जन निकालती है उसके अंदर क्या होता है, और जब आने वाले समय में विंडोज 12 आएगा उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे क्या करती है। बने रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।